मैं हूँ आपका उषा और नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है सुजुकी जिक्सर SF BS6 और वहीं पे हम कंपेयर कर रहे हैं यामाहा R15 वर्जन 4 को। तो यार देखो, इसका कंपैरिजन का रीज़न क्यों बनाई मैंने ये वीडियो, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले ही। तो देखो यार, इसका रीज़न ये था कि दोनों ही बाइकें ऑलमोस्ट सेम प्राइस में ही अब ऑन रोड पे हो रही है धीरे धीरे। तो यार इसमें ये सोचा था कि चलो इसको बनाया जाए ताकि बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए और कौन सी बाइक नहीं लेनी चाहिए। जैसे मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो देखो यार, मैं अगर हूँ इंजन लवर, इंजन से मैं भाई प्यार करता हूँ, तो इंजन के हिसाब से आपको, आपने देखा होगा जो हमारी जिक्सर है वो आपको मिलेगी 250 cc में। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ यामा R15 वर्जन 4 की, तो वर्जन 4 के अंदर आपको 155 cc का इंजन मिलेगा। तो कहने का मतलब है प्राइस आप ऑलमोस्ट इतना दे रहे हो, 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं, आराम से मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार रुपये का ही फ़र्क है। तो उसमें आपको क्या 250 cc का इंजन मिल जाएगा अगर मैं जिक्सर की बात करूँ, और R15 वर्जन 4 की मैं बात करूँ तो यार वो आपको उतने ही प्राइस में 155 cc का इंजन मिलेगा। और दोनों को देखा जाए तो दोनों को अगर हम एक तरीके से डायग्रेस कराएं तो यार मेरे हिसाब से जिक्सर भी ऑलमोस्ट इतनी ही निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यार इसलिए ये वीडियो बना जा रही है। तो चलो करते हैं हम इस बाइक की जिक्सर के इंजन की बात। तो सबसे पहले अगर मैं जिक्सर की बात करूँ तो जिक्सर के अंदर आपको 249 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड ऑयल कूल्ड BS6 आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगा वो निकालेगा 26 PS एट द रेट 9300 RPM, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकलेगा वो निकलेगा 22.2 Nm एट द रेट 7300 RPM पर। BS6 का आपको जिक्सर के अंदर इंजन मिल जाएगा, और बोर जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 76 mm का बोर मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा 54.9 mm का बोर स्ट्रोक मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की रहेगी और ओरिंग वाली चैन ड्राइव आपको इसके अंदर मिल जाएगी। और वहीं पे अगर मैं वर्जन 4 की बात करूँ तो वर्जन 4 के अंदर आपको 155 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वॉल लिक्विड कूल आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा, जिसकी मैक्सिमम पावर होगी वो होगी 18.4 PS एट द रेट 10,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क होगा वो होगा आपको 14.2 Nm एट द रेट 7,500 RPM पर। तो देखो यार, आपको पावर और टॉर्क में पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। R15 के अंदर BS6 का इंजन मिल जाएगा, बोर जो मिलेगा 58 mm का बोर मिलेगा, स्ट्रोक जो मिलेगा 58.7 mm का स्ट्रोक मिल जाएगा सिंगल सिलेंडर के, और ये भी ओरिंग वाली चैन ड्राइव आपको मिल जाएगी। लेकिन R15 वर्जन 4 के अंदर आपको 4-वॉल का इंजन मिलेगा, और पेट्रोल आप कोई भी डालो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे जिक्सर की बात करूँ 250 में, तो जिक्सर के अंदर आपको 2-वॉल वाला ही इंजन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखो फीचर्स आपको इंजन में अगर देखा जाए तो R15 में ज़्यादा मिले, लिक्विड कूल मिल रहा है, ठीक है, 4-वॉल का इंजन मिल रहा है, लेकिन जिक्सर यहाँ पे थोड़ा सा रह रही है पीछे। लेकिन यार देखो, अगर पावर की मैं बात करूँ तो पावर आपको काफ़ी हद से ज़्यादा आपको जिक्सर में मिल रही है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर, तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। और वहीं पे अगर हम इसकी चेसिस की बात करें तो उससे पहले जिक्सर के अंदर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा, जैसे आपको इंडियन रोड्स में पता है टेलीस्कोपिक काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है, और वहीं पे आप वर्जन 4 के अंदर आपको USD सस्पेंशन मिल जाएंगे। बात करी जाए तो R15 के अंदर आपको डेल्टा बॉक्स वाली चेचेज मिल जाएगी। और वहीं पे अगर मैं व्हील साइज की बात करूँ तो व्हील साइज आपको जो जिक्सर में मिलेगा वो मिलेगा 110/70 का फ्रंट टायर मिलेगा, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा आपको 150/60 का रियल टायर मिलेगा विद 17 inches के अलॉय व्हील्स के साथ। वहीं पे आप वर्जन 4 की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको फ्रंट टायर जो मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर होगा, जो रियल टायर है वो मिलेगा 140/70 का रियल टायर मिल जाएगा। यानी अगर टायर्स में देखा जाए तो जो आपका जिक्सर का आपको ज़्यादा मिल जाएगा टायर साइज़, और वहीं पे R15 का थोड़ा सा हो जाता है पीछे। बात करी जाए तो दोस्तों फ्रंट टायर ये मैंने आपको बता दिया, ट्यूबलेस टायर दोनों ही गाड़ियों में मिलेगा, अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो पहले मैं आपको सारी डायमेंशंस आपको जिक्सर की बता देता हूँ, फिर मैं R15 की बताता हूँ। तो जिक्सर के अंदर आपको 1345 mm का व्हील बेस आपको जिक्सर में मिलेगा, लेंथ जो मिलेगी वो मिलेगी 2010 mm की मिलेगी, ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलेगी वो आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, हाइट जो मिलेगी वो मिलेगी 1035 mm की हाइट मिल जाएगी, विड्थ की बात करो तो 740 mm की विड्थ मिल जाएगी,
12 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा, 161 केजी का कर्व वेट आपको जिक्सर में मिलेगा, एलईडी लाइट्स आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ वर्जन 4 की, तो वर्जन 4 का जो व्हील बेस है वो मिलेगा 1325 mm का व्हील बेस मिलेगा, लेंथ जो मिलेगी वो मिलेगी 1990 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल जाएगी, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी, और जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1135 mm की हाइट मिल जाएगी। वृद्ध की मैं बात करूँ तो 725 mm की वृद्ध मिल जाएगी, और जो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिलेगी वो आपको R15 में कम मिल जाएगी थोड़ी, 11 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको इसमें मिल जाएगा। और वहीं पे अगर इसकी कर्व वेट की बात करी जाए तो वो मिलेगी 142 केजी का कर्व वेट आपको मिल जाएगा। बात करी जाए तो दोस्तों इन दोनों के मामले में देखा जाए तो, या देखो हाल फिलहाल में मुझे तो जिक्सर अभी तक आगे लग रही है, ठीक है। और वहीं पे अगर बात की जाए तो दोनों ही गाड़ी में मेंटेनेंस फ्री बैटरी मिल जाएगी, इंडिकेटर्स आपको दोनों में ही हैलोजन मिलेंगे, और इसके अंदर आपको जो फ्रंट हेडलाइट है वो आपको दोनों ही गाड़ियों में बेहतरीन LED मिल जाएंगी। और अगर बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, दोनों ही बाइक के जो है स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और दोनों ही गाड़ियों में आपको सेल्फ स्टार्ट का ही ऑप्शन मिलेगा, किक का ऑप्शन नहीं है। वहीं पे अगर बात करी जाए तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाएगा, लेकिन मीटर कंसोल अगर देखा जाए तो R15 का काफ़ी बेहतरीन है। R15 के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जिक्सर में नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर ट्रिप 1 का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रिप 2 का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्यूल इंडिकेटर भी आपको बता देगी, सर्विस रिमाइंडर भी बता देगी, इंडिकेटर्स के बारे में बता देगी, इंजन में कोई दिक्कत होगी तो उसकी भी लाइट आपको पता चल जाएगी इस गाड़ी के अंदर, मतलब दोनों ही गाड़ियों के अंदर ये चीज़ें हैं सेम। चार्जिंग पॉइंट की बात करूँ तो चार्जिंग पॉइंट आपको वर्जन 4 में मिल जाएगा, ऑप्शनली मिल जाएगा, अगर आप लगवाना चाहो तो उसको अलग से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जिक्सर के अंदर आपको ऑयल कूल मिलेगा, लेकिन वर्जन 4 के अंदर आपको लिक्विड कूल का ऑप्शन मिल जाएगा। देखो यार दोनों ही गाड़ियाँ मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, मैं आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी तो मुझे जिक्सर काफ़ी अच्छी लगती थी, बस ये है कि माइलेज के चक्कर में मैं थोड़ा सा पीछे रह जाता था। तो अगर देखा जाए तो जिक्सर के अंदर आपको 40 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा, 35 से 40 का माइलेज मिल जाएगा, लेकिन R15 आपको थोड़ा ज़्यादा माइलेज निकाल के दे देगी। R15 आपको 40 से 45 तक का माइलेज निकाल देगी, जैसे मेरे पास मेरे दोस्त के पास वर्जन 3 है, तो वर्जन 3 के अंदर भी देखो दोस्तों इंजन सेम ही है, थोड़ी सी पावर कम कर दी गई है, तो नहीं थोड़ी सी पावर सॉरी बढ़ा दी गई है, पावर बढ़ा दी गई है, तो उनको जो है माइलेज अराउंड 40 से 45 का मिल जाता है, 45 का वो लोग निकाल देते हैं। और अगर नॉर्मल स्पीड में चलाते हो आप, 40 या इको स्पीड में भी चलाते हो, तो उसके अंदर आपको माइलेज और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हुए मिल जाती है। जिक्स R15 के अंदर ये बेनिफिट है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेन चीज़ आती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोलता कि भाई मैं इंजन का लवर हूँ, तो इंजन के हिसाब से 250 cc का इंजन थोड़ा बड़ा हो जाता है। बात करिए तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों का लुक अपनी अपनी जगह पे अलग अलग है, मतलब दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको लुक्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे, लुक्स में कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रोड प्रेजेंट भी आपको दोनों ही गाड़ियों का बहुत अच्छा मिलेगा, चाहे आप वर्जन 4 की बात कर लो चाहे आप जिक्सर की बात कर लो। लेकिन हाँ जिक्सर में ये है कि थोड़ा थोड़ा उसका जो लुक है ना वो उसकी 155 cc वाली में लग रहा है, मतलब लुक्स के मामले में थोड़ा 155 वाली cc है। जैसे लुक्स के बारे में तो दोनों दोस्तों लुक जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी का लुक पसंद है, लेकिन हाँ देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियाँ आपको फुल फेयरिंग में मिल जाएंगी। बल्कि लुक अगर मैं देखा जाए तो थोड़ा सा बल्कि लुक मुझे जिक्सर का लगता है, ऐसी बात नहीं है उसका भी लुक ऐसा कोई वो नहीं है, एकदम मस्त है। एरोडायनामिक आपको दोनों के अंदर ही काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कि हाँ भाई एरोडायनामिक के अंदर की प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से भाई अगर आप देखो एक चाहते हो कि भाई हाँ मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जो मुझे लाइफ टाइम चलानी है, मतलब ज़िंदगी भर अपने साथ रखनी है, तो यार मेरे हिसाब से आप जिक्सर को परचेज़ कर सकते हो, जिक्सर को परचेज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ अगर आप ये चाहते हो कि हाँ भाई मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जो मैं 4-5 साल चलाऊँ फिर मैं उसके बाद सेल कर दूँ, तो आपको रीसेल वैल्यू जो है वो R15 वर्जन 4 की काफ़ी बेहतरीन मिलेगी, बहुत अच्छी आपको मिल जाएगी। लेकिन हाँ वहीं पे जिक्सर की बात करो तो जिक्सर थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रह जाएगी, थोड़ा सा रीसेल वैल्यू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे आप मेरा ओपिनियन पूछते हो, तो यार देखो दोनों ही गाड़ी अपनी अपनी जगह पे एक अलग है, लेकिन अगर मैं जैसे आपको पहले ही बोलता इंजन के हिसाब से देखा जाए तो जिक्सर का इंजन बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत पसंद आएगा आपको, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ भाई जिक्सर के इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ R15 के अंदर भाई आपको क्विक शिफ्टर वाला भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। बाइक दोनों ही अच्छी है, देखो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, पर्सनली मुझे तो दोनों ही पसंद है भाई। अगर मैं सही बताऊँ मेरे पास इतना बजट होता ना तो मैं दोनों ही खरीद लेता। दोनों देखो यार लेने का रीज़न ये है कि दोनों ही गाड़ियाँ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप 250 cc वाला इंजन देखोगे आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ है, इंजन देख के आपको एक फील आएगा कि हाँ भाई कुछ बड़ा इंजन हम चला रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्तों
टॉप एंड की अगर मैं बात करूँ तो दोनों गाड़ियों का ही टॉप एंड 250 की अगर मैं बात करूँ, वहीं पे 155 सीसी की बात करूँ तो टॉप एंड आपको ऑलमोस्ट जिक्सर, अगर एक ड्रैग रेस देखी जाए तो मेरे हिसाब से जिक्सर थोड़ी सी आगे निकलेगी, इतनी आगे निकल जाएगी कि मतलब R15 बिल्कुल पीछे ही रह गए, ऐसा कुछ नहीं भाई, बराबर की टक्कर देगी। ये चीज़ तो है कि गाड़ी आपको बराबर का एकदम तगड़ा वाला टक्कर देने वाली है, ऐसा कहीं भी आपको पीछे नहीं लगेगा कि हाँ भाई इस गाड़ी में दिक्कत है, इस गाड़ी में। दोनों ही बाइकें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन हाँ वही भी अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी आपको कंफर्टेबल वाली बाइक चाहिए तो आप जिक्सर 250 की तरफ से ले जाओ, और अगर आपको चाहिए अग्रेसिव पोस्चर बिल्कुल भाई रेसिंग वाला बिल्कुल मस्त आपको पोस्चर चाहिए रेसिंग ट्रैक वाला तो फिर आप R15 की तरफ आँखें बंद करके चले जा सकते हो। तो दोस्तों यही कुछ हमारी आज की वीडियो थी, दोस्तों वीडियो को लाइक करो, उसको सब्सक्राइब करो, जो करना वो बोलेंगे हमारे साथ, सब्सक्राइब करो, सदमांगम खाकर चैनल राहुल बॉक्स सेंड करके उसको भी ताकि जरूर सब्सक्राइब करना, तो ओके बाय।